हेलो। हाँ अभी वो सोई नहीं है, वो जैसे ही सोती है मैं आता हूँ। अरे यार कहाँ थी तुम? रात के 12 बज रहे, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तुम्हारे चक्कर में फालतू में दोस्तों से बात करनी पड़ रही है। अच्छा चलो सो जाओ, आ जाओ, चलो तो जल्दी सो जाओ जल्दी। सो जाओ सो जाओ, आग बंद करके सो जाओ। कहाँ थे तुम? मैं कहाँ था? मैं जब रात को उठी तो तुम थे नहीं वहां पे। कहाँ गायब हो गए थे रात को? अरे रात को मैं वॉशरूम में ही था। अच्छा ठीक है। कहाँ थे तुम? तुम उठी हुई हो? मैंने तुम्हें वॉशरूम में चेक किया, तुम वहाँ पे भी नहीं थे। फिर मैंने पूरे घर में ढूंढा, तुम वहाँ पे भी नहीं थे। सुबह के 5 बज रहे, कहाँ गए थे? मैं बालकनी में था, वहाँ नहीं देखा होगा ना तुमने। यार वो क्या ना, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा बालकनी में थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ। बस अभी 1 घंटे पहले गया था। लेकिन तुम तो बाहर से आ रहे हो। हाँ तो हमारी बालकनी का रास्ता बाहर से भी तो आता है। क्या यार बेबी भूल गई? हेलो। हाँ हाँ सो तो गई है, बट आज नहीं आ पाऊँगा क्योंकि इसे ना शक हो गया कि मैं रोज़ रात को कहीं बाहर जाता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं आता हूँ। ये गेट के पीछे बर्तन कौन रखता है? मैं रखती हूँ। और क्यों रखती हो? कि मैं देखना चाहती थी कि तुम रोज रात को जाते कहाँ। मैंने बाथरूम में चेक किया, तुम वहाँ भी नहीं थे। मैंने घर पे चेक कर लिया, तुम वहाँ पे भी नहीं थे। और तुम बालकनी में भी नहीं थे। मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी ताकि तुम कोई बहाना ना बना पाओ कि मैं यहाँ था वहाँ था। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम रोज रात को कहाँ जाते हो और किससे मिलने जाते हो। अच्छा तो नंबर अपनी मम्मी के नाम से सेव किया हुआ है। हाँ हेलो बेटा, घर पहुंच गया तू? हेलो। हाँ मैं मम्मी पहुंच गया। नहीं हाँ कल मिलते हैं। चल ठीक है बेटा। अच्छा तो तुम अपनी बीवी को अकेला छोड़ के अपनी मम्मी से मिलने जाते हो? हाँ तो क्या करूं? हाँ तुमने तो बोल दिया कि मुझे नहीं रहना तुम्हारी मम्मी के साथ, मुझे तो अकेले रहना है, मेरे घर में रहना है। तो तुम्हें रख रहा हूं ना अकेले तुम्हारे घर में, और रात को अगर अपनी मम्मी से मिलने भी चला जाऊं तो मैं उसमें भी प्रॉब्लम है। अरे पता है तुम्हें मेरी मम्मी ने तुम्हारे साथ मुझे अकेले क्यों रहने दिया? क्योंकि वो चाहते कि मैं खुश रहूं। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मेरी मम्मी खुश रहे। और पता है मैं उनसे मिलने क्यों जाता हूं? क्योंकि मेरी मम्मी अकेली नहीं रह पाती। मेरी मम्मी का मैं इकलौता बेटा था, वो भी तुमने उनसे छीन लिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब तुम इस दर्द को समझोगी। जब तुम्हारा बेटा होगा ना और उसकी शादी होगी, जब उसकी बीवी तुम्हें तुम्हारे बेटे से दूर करेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बेटे को दूर करने का दर्द क्या होता है। सुनो सॉरी, और जो मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ किया मैं उसके लिए भी उनको सॉरी बोल दूंगी। और नहीं चाहिए मुझे इंडिपेंडेंस, हम लोग अब साथ में रहेंगे। सच में? हाँ ठीक है फिर।